नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक और नया तरीका का रेसिपी लेकर आया हूँ जो पूरा हरा वेजिटेबल से बनने वाला। आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो तब ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी। इधर क्या करना है, आपको जो ड्राई चिली होता है इसको भिगो लेना है और देखिए इस तरह से एक दो बार वॉश करके क्लीन करने के बाद में आपको ददरा सा जो पेस्ट कर लेना है, पूरा रफली आपको पेस्ट करना है, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना। ये देखिए जो पेस्ट है मेरा बन के रेडी है, आप देख सक लोगे बहुत ही बढ़िया पेस्ट बना हुआ। अब हम इसको सॉस बना के आपको दिखाऊंगा। इसमें देखिए थोड़ा सा ग्रीन चिली आपको ऐड करना है, थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड करना है और थोड़ा सा आपको विनीगर ऐड करना है। ये जो है ना डेविल सॉस है, इसको बोलते हैं। आप कोई बड़े बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जब खाने आते ना, उधर डेविल्स चिकन मिलता है, डेविल्स चॉइस मिलता है जो वेजिटेबल्स है, ये उस रेसिपी हम आपको बता रहा हूँ। ये है डेविल सॉस। डेविल सॉस का बना के कम एक दिन बाहर रखेगा ना पूरा होल नाइट, तब जाके सॉस में बहुत ही बढ़िया आता खाने के लिए, बहुत टेस्ट लगता है, ये हमारा स्पाइसी बहुत होता है। अब हम आपको दिखाऊंगा सॉस बन के रेडी है। अब इधर देखिए वेजिटेबल हम कितना अच्छा तरीक़ा से कट कर लिया हुआ, आप देख सकोगे छोटे छोटे पीसेस में आलू है, इधर थोड़ा गाजर है, आपका बीन्स सब देखिए, और जो है ग्रीन पीस, पूरा वेजिटेबल्स को कट कर लिया हूँ ये। और देखिए और एक जो वेजिटेबल्स है इसमें देखिए थोड़ा सा कैप्सिकम है, थोड़ा टमाटर, ये है आपका ऑनियन, पूरा देखिए स्मॉल डाइस में कट कर लिया हूँ, ये देख सक रहे होंगे ये पूरा वेजिटेबल्स। इधर देखिए अब आपको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए आपको कढ़ाई में देखिए पूरा वेजिटेबल्स आपको डाल देना है और गैस का फ्लेम में आपको बॉयल करना है। बॉयल का पहले आपको एक चम्मच करीब नमक इसमें ऐड कर देना है। आपको नमक डालने के बाद इसको अच्छा तरीक़ा से बॉयल करना है, जैसे वेजिटेबल जो पूरा बढ़िया तरीक़ा से जब बॉयल होगा तभी जो वेजिटेबल बहुत ही अच्छा बनेगा। ज़रूर एक बार ये रेसिपी आप घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही यूनिक और नया रेसिपी है, इसके लिए हम आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए वेजिटेबल्स बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम क्या करूँगा ना, वेजिटेबल जितना है पूरा निकाल लेना है और इसको ठंडा पानी में आप वॉश कर लें, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। ठंडा पानी में वॉश करने से क्या होता है, वेजिटेबल कलर आपका फैड नहीं होता, वेजिटेबल्स बहुत ही बढ़िया रहता। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लेना है और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक चॉप इसमें ऐड करना है। जिंजर गार्लिक चॉप जो है बराबर आपको डालना है, 1 टेबल स्पून करीब इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा टॉस कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है, जो बॉयल वेजिटेबल्स आप देख सक रहे होंगे अब पूरा वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे और ऑनियन कैप्सिकम टमाटर जो भी था सब इसमें एक बार में डाल देंगे। अब इसमें इसको अच्छा तरीक़ा से मिक्स करना है, थोड़ा सा हल्का टॉस करेंगे, इसमें ज़्यादा आपको टॉस नहीं करना है क्योंकि चाइनीज़ फूड जो होता है आपको ज़्यादा पकाएंगे तो खाना का जो टेस्ट है पूरा बिगड़ जाएगा। इधर जो डेविल सॉस है 2 टेबल स्पून करीब इधर डालेंगे क्योंकि ये पहले से हम बोला बहुत स्पाइसी होगा, और इसमें 2 चम्मच करीब टमाटर केचप भी ऐड करेंगे। टमाटर केचप आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। डेविल चॉइस बोले तो थोड़ा स्पाइसी होगा तभी इसका खाने के लिए मज़ा बहुत ही आएगा। अब इसको अच्छा तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिक्स होने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल वाटर जो होता अब इसमें डाल देंगे। इधर देखिए जो स्पून में हम बना रहा हूँ उसमें 1 स्पून भर के इसमें पानी का यूज़ करूँगा, ज़्यादा ग्रेवी हम नहीं रखूँगा। अब इसको कोई बर्थडे बोलिए, कोई ओकेशन बोलिए, अब इसको वेज फ्राइड राइस के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है वेज फ्राइड राइस के साथ, और डेविल चॉइस बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें देखिए पानी डालने के बाद मिक्स हो चुका है मेरा, इसको क्या करना है आपको थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा टेस्टिंग सॉल्ट इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा शुगर आपको बहुत ही कम डालना है, नहीं तो आपका स्वीट हो जाएगा। अब अच्छा तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा लास्ट में आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर आपको ज़्यादा नहीं डालना है, जितना हिसाब से आप डालना है वही हिसाब से डालिए, नहीं तो बहुत ठीक हो जाएगा और ग्रेवी अच्छा नहीं बनेगा। ऊपर से थोड़ा स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे और अच्छा तरीक़ा से मिक्स कर देंगे। अब जो मेरा वेजिटेबल डेविल चॉइस है बनकर रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ में।